वो आ गया। क्या? ओह, लगता है वो आ गए। हाँ, याद है ना हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। फिर तो शायद मुझे ये कहावत आती ही नहीं। फिक्र नॉट अंकल, हम इसे रख लेंगे ताकि आपकी पीठ सही सलामत रहे। अच्छी कोशिश बच्चे, पर सारा पैसा सीधे बिन में जाता है। भतीजों के पास नहीं। बिकले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि आपके एडवेंचर से डकबर्ग शहर को बहुत नुकसान हो रहा है। जिनकी भरपाई मैं हमेशा करता हूँ, एडवेंचर से खजाना मिलता है, खजाने से कंपनी चलती है, कंपनी से शहर चलता है, क्योंकि हम उन्हें सालों साल ट्रस्ट से पैसे भी तो देते हैं। हाँ, इसमें ना समझने वाली क्या बात है? बोर्ड ने आपके कैरेक्टर को और मशहूर करने के लिए रॉक्सैन फेदली से आपका इंटरव्यू रखा है। मेरे कैरेक्टर को मशहूर करने की जरूरत नहीं, वो कुछ ज्यादा कर रहे हैं। गुड न्यूज़ मिस्टर मैकडी, इस पेड़ से अनाथ आश्रम बच गया। इंटरव्यू कितने बजे है? मुझे गले लगना नहीं आता। ओ हाँ, मुझे भी नहीं आता गले लगना। यूं ही ऐसे ही जाने दो। तुम स्लीपओवर के लिए एक्साइटेड हो? हम ब्रश करेंगे, टाइम पर सोएंगे और आधी रात को बीच में उठकर कहेंगे कहाँ है। ओ, अब समझी, ये बढ़िया स्लीपओवर पार्टी है। तो ये तुम्हारा पहला स्लीपओवर पार्टी है? हाँ, जो आखिर में पहुँचेगा उसे दो बार ब्रश करना पड़ेगा। होती है जिसे पूछताछ के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। बाथरूम नीचे जाकर बाएं मुड़ो। आंट मैचिका, स्क्रूज मैकडक का आलीशान घर अब सुरक्षित नहीं रहा। हम पहले क्या करेंगे? मेरा प्लान है पॉपकॉर्न खाना, मूवी देखना और फिर वेबी ने कहा है ब्रश करने के लिए। मुंह की सफाई बाद में। जैसे जैसे मैं स्क्रूज के अनमोल सिक्के के नजदीक जा रही हूँ, मेरी शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। सुनना चाहोगी तुम? उस तावीज को मैंने बिन में डाल दिया है, तो बस इंतजार करना है। तुम यही रहो, क्योंकि वो जादुई पत्थर स्क्रूज का सिक्का ढूंढ लेगा। वो उसे तुम्हें लाकर देगा और तुम उसे मुझे लाकर दोगी, और मैं उस रहस्यमय ताकत को आजाद कर दूंगी जो उसके अपने घर में छिपी हुई है, और साथ ही स्क्रूज मैकडक के साथ मेरा हिसाब भी बराबर। तो बस मुझे यहाँ इंतजार करना है ना? कोशिश तो कर सकती हो हमारी स्क्रूज के परिवार से दुश्मनी निभाने की। आपको पता है मुझे क्या चाहिए। ठीक है, जाने दो। अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। अगर तुम अपना वक्त उस लड़की के साथ जाया ना करो तो। सुनिए, ये सब ढोंग है। चंद्र ग्रहण होने ही वाला है नन्ही शैतान।